हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर 24/7। एग्रीकल्चर 24/7 में आप सबका स्वागत है, हमारे उड़ान परिवार में आपका स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपके लिए हम लेके आए हैं हमारा इंस्टाग्राम चैनल। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो बेटा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो आलतू फालतू की चीजें होती है उनको अनफॉलो कर दो। इंस्टाग्राम पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको होम पेज पे सिर्फ वही चीज दिखेगी जो आपने फॉलो की है, ठीक है। सो आप जो है अच्छी अच्छी चीजें फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल पेजेस को फॉलो करो सिर्फ। इंस्टाग्राम अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे अगर आप सिर्फ एजुकेशनल पेजेस को फॉलो करोगे जो डेली बेसिस पे अच्छा कंटेंट डालते हैं, अच्छे एजुकेशनल पोस्ट डालते हैं, तो वो भी आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा एग्रीकल्चर @24/7 का इंस्टाग्राम हैंडल एंड टेलीग्राम, उसके साथ यूट्यूब पे तो हम हैं ही। अगर यूट्यूब के क्लासेस की हम बात करें तो सुबह 10 बजे से ये आपको मिल जाती है, मिलना शुरू हो जाती है, जहां पर संदीप सर आपको करंट अफेयर्स देते हैं। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रहती हैं 11 बजे, 11:30 बजे आपकी नबार्ड की क्लासेस होती हैं। ओके, 12:30 बजे आपकी नबार्ड की क्लासेस नहीं होती है, 12 बजे होती है। तुम ये देख लेना, ठीक है, ये रूटीन है, इसको देख लेना। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो एक जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि क्रिप्को का एग्जाम होने वाला है ना, और जैसे ही वो एग्जाम होगा उसकी एनालिसिस जो है हम करेंगे। सो बी रेडी। ओके, सो देन आप @24/7 की मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया बेटा, तो ये आपको कम्युनिटी मेरी एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम मिल जाएगी, वहां पे आपको मुझसे कनेक्ट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ओके, सो सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ। अगर आप में से कोई भी नया है तो हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम, हमारे यूट्यूब, हमारी ऐप, किसी के भी थ्रू हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। ओके, हाय, चाय की याद मत दिलाओ राजेश, गुड इवनिंग वेरी मच, बट चाय की याद अभी मत दिलाओ, उसके बाद ही सब होगा। बिल्कुल टाइम नहीं है, चाय पीने का टाइम नहीं है। चलो अब फटाफट से, आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आई हूँ, और स्पेशली ये जो क्वेश्चंस है डेडिकेटेड है क्रिप्को वाले एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो बिल्कुल हम इधर उधर की बातें ना करते हुए एग्जाम पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। Which of the following is not a culture method of control? शाबाश, जल्दी से बता दीजिए, which of the following is not a culture method of control? देखो सीधा सा आपको सर्च पे एग्रीकल्चर अड्डा लिखना है, आ जाएंगे हम, एग्रीकल्चर 24/7 लिख के आ जाएंगे हम, आपको सब मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। ओके, जल्दी से आंसर दो, आज का सेशन शुरू हो चुका है, कौन बनेगा आज का टॉपर? ओके, दामिनी इज सेइंग क्रॉप रोटेशन जो है वो कल्चरल मेथड नहीं है। सीरियसली, क्रॉप रोटेशन तो कल्चरल मेथड है। और यहां पर जिस जिसने सी आंसर किया, जो कि मैक्सिमम सबने किया है बेटा, जो डीप प्लोइंग होती है आपकी क्रॉप रोटेशन या ट्रैप क्रॉप जो है वो कल्चरल मेथड है। कल्चरल मेथड मतलब जब आप खेत में क्रॉप लगी है उस टाइम पर आप कुछ कर रहे हो, है ना। क्रॉप रोटेशन आप कब करते हो? जब खेत पे ही करते हो, फील्ड कंडीशन में, जब आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो कल्चरल मतलब कल्टीवेशन, ठीक है। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन के बाद डीप प्लोइंग, प्लोइंग कहाँ करते हो बेटा? फील्ड कंडीशन में ही करते हो जब कल्टीवेशन करनी होती है। और ट्रैप क्रॉप्स आपकी कहाँ होती है? ट्रैप क्रॉप्स भी आप फील्ड में ही लगाते हो। तो वो सारे मैथड्स जो आप फील्ड में लगाते हो ना, खेत में लगाते हो, वो सारे आपके कल्चरल मैथड्स होते हैं। लेकिन वायर गॉज स्क्रीन जो है वो आप यूज नहीं करते एज अ कल्चरल मैथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एनपीवी इज, एनपीवी की फुल फॉर्म क्या है? नीम प्लांट वायरुलेंट, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, निमाटोड एंड प्लांट वायरस, या नेटिव प्लांट वायरस? मैम मेरा क्रिप्को ऑल इंडिया मॉक में 62 आया है, तो हो जाएगा इतने में? बेटा वो मॉक टेस्ट था, ठीक है, असली वाला तो देकर आओ। ऑल द बेस्ट, पढ़ो, अभी 2 दिन है, सपने मत देखो अभी, ठीक है। चलो ओके, सेकंड, वेरी नाइस बेटा, इट इज न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, एनपीवी की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा इज द बोटानिकल नेम ऑफ, ये जो कॉक्सिनेला है बेटा, ये किसका बोटानिकल नेम है? लेस विंग का बोटानिकल नेम है, सिरफिड फ्लाई का है, विडालिया बीटल का है, या लेडी बर्ड बीटल का है? शाबाश, जल्दी से बताइए ये किसका नाम है।
सविता, पुष्पेंद्र, गीतिका, अनुभव लिख रहे हैं 4. ओके, वेरी नाइस अनुभव. इट इज लेडी बर्ड बीटल. ठीक है, जो लेडी बर्ड बीटल है उसका नाम होता है कॉक्सिनेला. ओके, वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरीथ्रम इज डिराइव फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ. बेटा जो पायरीथ्रम है वो किसके फूलों से डिराइव हुआ है? क्या वो मैरीगोल्ड के फूलों से बना है, क्या वो नीम के फूलों से बना है, क्या वो क्राइसेंथिमम के फूलों से बना है, या वो मस्टर्ड के फूलों से बना है? अच्छा योगेंद्र, पता नहीं, तुक्का है. आज के बाद तुक्का नहीं लगेगा जब ये रिवीजन क्वेश्चन आएगा. ठीक है, किसका नाम होता है? लेडी बर्ड बीटल का नाम होता है. तो अनुभव ने अगेन आंसर कर दिया, शाबाश बेटा. इट इज क्राइसेंथिमम. ठीक है, क्राइसेंथिमम के फ्लावर से बनता है पायरीथ्रम. ओके, येलो स्टेम बोरर इज अ डैश इंसेक्ट. येलो स्टेम बोरर मोनोफेगस है, एब्सोल्यूट है, पॉलीफेगस है, या बोथ वन एंड टू? बेटा जो येलो स्टेम बोरर है वो कैसा इंसेक्ट है? क्या वो एक ही टाइप के खाने पे जीता है, ऑब्सोल्यूट है, या बोथ वन एंड थ्री है? प्रशांता मेहर, अ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. जल्दी से सेशन में जुड़ जाओ और आंसर करो कि येलो स्टेम बोरर कैसा होता है. यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गए हैं कि सी 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 सी, कोई वन लिख रहा है. सो किसी ने सही आंसर नहीं किया बेटा, द राइट आंसर इज डी. ठीक है, मोनोफेगस होता है. किस पे? राइस पे ही फीड करता है, मोनोफेगस होता है, और मोनोफेगस को ही एब्सोल्यूट पेस्ट बोला जाता है. तो ये एब्सोल्यूट भी है और मोनोफेगस भी है. डी इज द राइट आंसर, इसको ठीक कर लेना. ठीक है, चलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंसेक्ट हेड हाउसेस वेरियस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. बताओ, ये सब बताओ, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? पढ़ो इनमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है. यस चेतक, बोथ, वेरी नाइस. थोड़ा लेट हो गए पर चलो, जल्दी बताओ. इतना लेट जागे, चलो चलो चलो, शाबाश. यस, एब्सोल्यूट भी है. ओके, वेरी नाइस. सो इट इज एंटीने, माउथ पार्ट्स एंड कंपाउंड आईज, हम कल डिस्कस कर चुके हैं. द आईज ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल यूनिट्स. तो ये जो है आपने गलत किया था बहुत सारे लोगों ने. जल्दी से बता दो बेटा, जो इंसेक्ट की आई होती है वो कौन सी विजुअल यूनिट से? वेरी नाइस, इट इज योर ओमेटीडिया. नाउ लेसर ग्रेन बोरर प्यूपेट इन. जो लेसर ग्रेन बोरर होता है वो कहां पर प्यूपेट होता है, उसका प्यूपा कहां बनता है? इनसाइड क्रिवाइसिस, इनसाइड द ग्रेन. अच्छा, कोई नहीं, जल्दी का इतना भी चक्कर नहीं रखना है. ओके, वेरी नाइस. ना जल्दी के चक्कर में नहीं देखना है, सारे ऑप्शंस देखने. जल्दी से बता दो कहां पर होता है. क्रिवाइसिस में होता है, ग्रेन के अंदर होता है, आउटसाइड द ग्रेन होता है, या ऑल ऑफ दीस, किसी में भी प्यूपेट कर सकता है. ओके, वेरी नाइस. सो चेतक, आपका आंसर गलत हो गया. इट इज इनसाइड द ग्रेन. ठीक है, इनसाइड द ग्रेन है बेटा, इनसाइड द ग्रेन. लेसर ग्रेन बोरर की बात कर रहे हैं. अदरवाइज जो खपरा बीटल था वो जो हाइबरनेट करता था, खपरा बीटल इज रिलेटेड टू क्रिवाइसिस. अदरवाइज लेसर ग्रेन बोरर कहां पे प्यूपेट करता है? ग्रेन के अंदर. ठीक है, इनसाइड द ग्रेन. ओके, नेक्स्ट. ड्राइंग ऑफ सेंट्रल शूट कॉल्ड डेड हार्ट इज अ मेजर सिम्टम ऑफ. बेटा जो डेड हार्ट होता है, डेड हार्ट का मतलब होता है जो अंदर की सेंट्रल शूट है वो सारी खत्म हो गई, ड्राई हो गई है, वो किसका मेजर सिम्टम है, कौन कॉज करता है वो? ओके, सो द राइट आंसर इज येलो स्टेम बोरर. येलो स्टेम बोरर इनमें से क्या करता है? डेड हार्ट जो है वो कॉज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसको थोड़ा ना जल्दी जल्दी से करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्रिप्को के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं डिलीवर कर पाऊँ. तो मुझे बता दीजिए, ग्रासी स्टंट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय. जो ग्रासी स्टंट वायरस है वो कौन ट्रांसमिट करता है? क्या वो अनियन थ्रिप्स करते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर्स करते हैं, राइस गांधी बग करता है, या गॉल मिज फ्लाई करते हैं? तो गॉल मिज फ्लाई का एक और क्वेश्चन आता है बेटा, जो अनियन शूट्स होती है, सिल्वर शूट्स होती है, वो कॉज करता है गॉल मिज फ्लाई. ठीक है, गॉल्स जैसे बनाता है, और आपका पैडी में भी नॉर्मल ईयर हेड की जगह क्या बनते हैं, एक शूट्स बनती हैं, अनियन शूट्स बनती है, सिल्वरी शूट बनती है. यहां पर जो ग्रासी स्टंट वायरस है वो ब्राउन प्लांट हॉपर जो है ट्रांसमिट करता है, इधर से उधर लेकर जाता है. शाबाश. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ वीट नर्सरी. बेटा जो वीट की नर्सरी में लगता है, इनमें से कौन सा स्पेसिफिक पेस्ट है? क्या वो राइस गॉल मिज है ना, गॉल फ्लाई है, मिज फ्लाई है, या गुजिया बीवल है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, या खपरा बीटल है? बताइए, जो वीट की नर्सरी में स्पेसिफिक पेस्ट लगता है वो कौन सा है?
ओके चेतक ने यहाँ पर आंसर किया है, देन संध्या हंसा राजेश दामिनी वेरी नाइस, इट इज योर गुजिया बीटर बीविल, ठीक है ये जो गुजिया बीविल है ये क्या है, स्पेसिफिक पेस्ट है किसी भी वीट नर्सरी का. ओके नेक्स्ट, रोजेटेड फ्लावर्स आर टिपिकल सिम्टम ऑफ, बेटा रोजेटेड फ्लावर्स किसमें बनते हैं, कॉटन व्हाइट फ्लाई के अटैक से बनते हैं, अमेरिकन बॉलवॉर्म के अटैक से बनते हैं, कॉटन जेसिड्स के नाम से बनते हैं, या पिंक बॉलवॉर्म के अटैक से बनता है आपका रोजेटेड फ्लावर्स. रोजेटेड फ्लावर्स होता है कि फ्लावर बड आपका ठीक से ओपन नहीं होता, वो छोटे 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 से ऐसे ऐसे रहते हैं, पूरे पेटल्स खुलते नहीं है, ठीक है, और उनके जो पेटल्स हैं वो छोटे छोटे से डेवलप नहीं होते हैं पूरे तरीके से. सो यहाँ पर कईयों ने लिखा है पिंक बॉलवॉर्म और कईयों ने लिखा है अमेरिकन वॉलवॉर्म, तो पिंक वॉलवॉर्म का ये टिपिकल सिम्टम है, शाबाश, ठीक है. सो जो पिंक वॉलवॉर्म है वो रोजेटेड फ्लावर जो है उसका सिम्टम वो करते हैं, फ्लावर बड ठीक से खुलता नहीं है और वो रोजेटेड अपियरेंस देता है, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर पिंक वॉलवॉर्म. ओके जिसके खिलाफ जो है, खिलाफ बोल रही हूँ, जिसके खिलाफ जो है बीटी कॉटन बनाया गया था जिससे लड़ने के लिए, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ गड़बड़ करता है, सो इट इज पिंक वॉलवॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनिबलिज्म हैबिट इज प्रेजेंट इन द लार्वे ऑफ, कैनिबलिज्म क्या होता है कि अपने ही स्पीशीज के, जैसे कि अघोरी होते हैं ना जो अपने ही जो आदमियों को ही खा जाते हैं, तो वैसे ही आपका ये जो लार्वे होते हैं ये अपने ही स्पीशीज के लार्वास को खा लेते हैं, ठीक है. तो ये हैबिट किस में होती है, किसके लार्वा में होती है, रेड ग्राम पॉड फ्लाई के लार्वा में, ग्राम पॉड बोरर में, ग्राम कट वॉर्म में, या इन सब में ही कैनिबलिज्म हैबिट होती है. द राइट आंसर इज ग्राम कट वॉर्म, तुक्केबाजों, ठीक है. ये जो ग्राम कट वॉर्म है इसका जो लार्वा होता है उसमें कैनिबलिज्म हैबिट होती है, वो अपने ही स्पीशीज के लार्वा को खा जाता है, उस पर फीड करता है, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ग्राम कट वॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैमेजिंग स्टेज ऑफ खपरा बीटल इज, मैंने बताया था खपरा बीटल जो है वो सबसे मेजर वाला जो है वो क्या है, स्टोरेज पेस्ट है. तो आपको बताना है डैमेजिंग स्टेज कौन सी है, खपरा बीटल का क्या सिर्फ लार्वा करता है डैमेज, या लार्वा और एडल्ट दोनों करते हैं, या एग करता है, जल्दी से बता दो, है ना. तुक्का लगाया था ना, पता चल जाता है मुझे, और सारे एक जैसा तुक्का लगाते हैं, है ना. शैलेंद्र ये क्लास जो है एंटोमोलॉजी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ठीक है. जितने भी आप एग्जाम दोगे उसमें मेजर पेस्ट आते ही आते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए है, क्रिबको आपका AFO ADO RAEO UP SSS सबके लिए है, ठीक है. सो यस द राइट आंसर इज लार्वा, ठीक है, लार्वा ही होता है इसका सिर्फ. फिर से तुक्के मारे तुमने, लार्वा और एडल्ट दोनों नहीं होते, खपरा बीटल का जो डैमेजिंग मोस्ट डैमेजिंग स्टेज है वो आपकी क्या होती है, लार्वा होती है. ओके चलो, ट्रेड नेम ऑफ डायमिथोइट, ये जो ट्रेड नेम्स है ये सारे के सारे याद करके जाना, जो भी क्रिप्को का एग्जाम देने जाएंगे, जल्दी से ट्रेड नेम ऑफ डायमिथोइट, रॉगर, कॉन्फिडर, कैलाथेन या फॉरेट, जल्दी से बता दो. यस, सो द राइट आंसर इज रॉगर, ठीक है, रॉगर होता है. ट्रेड नेम क्या होता है, जो मार्केट में जिस नाम से बिकता है. ओके, लॉ ऑफ टॉलरेंस वॉज गिवन बाय, ये जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है कि कोई इंसेक्ट है वो किसी सिचुएशन को या किसी पेस्ट को कैसे टॉलरेट कर पाता है, वो लॉ किसने दिया था, विलियम किरवी ने जो कि फादर है एंटोमोलॉजी के, RH पेंटर ने, प्रोफेसर नोवे ने जो कि फादर, प्रोफेसर नोवे कौन है, फादर ऑफ सी टेक्नोलॉजी है, या VE शेलवॉर्ड ने दिया है. वेरी नाइस मेघा, अनुष्का, चेतक, सो इट इज योर VE शेलफॉर्ड ने दिया है लॉ ऑफ टॉलरेंस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेजिंग स्टेज ऑफ एनगोइमोइस मॉथ, ठीक है, ये जो एनगोमोइस मॉथ है इसका डैमेजिंग स्टेज क्या है, एग, लार्वा, एडल्ट या ऑल ऑफ दीज. RH पेंटर ने रेजिस्टेंस दी थी, ठीक है, R फॉर RH पेंटर एंड R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई बात नहीं दिव्या, नेक्स्ट टाइम जो है सही करना. अभी बताओ डैमेजिंग स्टेज इस मॉथ की क्या है, जल्दी से बता दो. द राइट आंसर इज लार्वा, इसका भी लार्वा ही है. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट की डैमेजिंग स्टेज लार्वा होती है, तो बेटा आपको उस पे फोकस करना है जिसकी बोथ होती है. आपको अपनी नोटबुक के नोट्स में सिर्फ वही लिखने हैं जो बोथ होते हैं, क्योंकि बाकी तो मैक्सिमम देखो प्यूपा तो इनएक्टिव होता है, एग तो क्या ही करेंगे, है ना. आपका जो ज्यादातर जो आएगा वो लार्वा ही आंसर आएगा, लार्वा ओनली, कैटरपिलर ओनली, लेकिन
आपको जो एक्सेप्शन है जहां पे एडल्ट भी डैमेज कॉज कर रही है वो वाले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फीडर। तो बेटा क्या होते हैं इंटरनल फीडर, क्या होते हैं एक्सटर्नल फीडर। जो इंटरनल फीडर होते हैं वो जैसे ग्रेन के अंदर जाके डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल फीडर होते हैं स्टोरेज पेस्ट में वो बाहर बाहर से ही खाते हैं, ग्रेन के अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है आपके ग्रेन बहुत सारे चावल रखे होंगे, उन चावलों में घुसे बाहर बाहर ही होंगे। कुछ होते हैं जो चावल के दाने के अंदर ही घुस जाते हैं, दैट इज इंटरनल फीडर। तो इनमें से कौन से हैं जो इंटरनल फीडर हैं, राइस वीविल, पल्स बीटल, खपरा बीटल या बोथ वन एंड टू। ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू। आपका जो राइस वीविल है और जो आपका पल्स बीटल है दोनों के दोनों इंटरनल फीडर्स होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जबकि खपरा बीटल कैसा है, एक्सटर्नल फीडर है। खपरा वाला जो है वो एक्सटर्नल है और पल्स और वो राइस वाला क्या है, इंटरनल है, ठीक है। ओके, एग स्टेज ऑफ खपरा बीटल इज हाईली सेंसिटिव टू। जो एग स्टेज होती है खपरा बीटल की वो किससे सेंसिटिव होती है, ह्यूमिडिटी से, ऑक्सीजन से, टेम्परेचर से, या इन्हीं सब फैक्टर से वो हाईली सेंसिटिव होती है, बताइए। डू यू नो, जो खपरा बीटल है वो एक एक्सेप्शन है, वो लो ह्यूमिडिटी पे भी सर्वाइव कर जाता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट हाई ह्यूमिडिटी में आते हैं, लेकिन खपरा बीटल एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लो ह्यूमिडिटी में भी एक्टिव रहता है, सर्वाइव करता है। सो यहां पर राइट आंसर है सेंसिटिव टू, बोला है बेटा सेंसिटिव टू, ठीक है, ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं इसके। सेंसिटिव होता है कि क्या नहीं झेल पाता है, ठीक है, क्या नहीं झेल पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं झेल पाती हूँ कि मुझे कोई मारे, सो आई एम सेंसिटिव टू बीटिंग, है ना। तो सेंसिटिव टू का मतलब वो हुआ, ये ऑक्सीजन से जो है सेंसिटिव होते हैं और या इससे रेजिस्टेंट होते हैं ह्यूमिडिटी से, लो ह्यूमिडिटी से। चलो, लेसर ग्रेन बोरर प्रेफर्स डैश एंड डैश क्लाइमेट। तो मैंने आपको बताया कि खपरा बीटल तो लो ह्यूमिडिटी में सर्वाइव कर जाता है, अब आपको बताना है जो लेसर ग्रेन बोरर है वो कैसा क्लाइमेट प्रेफर करता है, डार्क एंड मॉइस्ट, डार्क एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, डार्क एंड कोल्ड। हैं रत्नागर, कौन है ये, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी किसकी चल रही है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, चलो बताओ लेसर ग्रेन बोरर जो है वो कौन सा क्लाइमेट प्रेफर करता है। सो चेतक लिख रहे हैं टू, योगेंद्र लिख रहे हैं थ्री, एंड सुराजीत और गौरव, वेरी नाइस बेटा, इट इज डार्क एंड मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो सारे पेस्ट को रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो मॉइस्ट का मतलब है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और उसके साथ साथ कौन सी कंडीशन चाहिए, डार्क चाहिए। सो डार्क एंड ड्राई नहीं, ड्राई का मतलब तो हो गया लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें सिर्फ कौन सर्वाइव कर पाता है, खपरा बीटल सर्वाइव कर पाता है बेटा, बाकी सबको मॉइस्ट चाहिए होता है और डार्क चाहिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिटोफिलस ऑरिजे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जल्दी से बता दीजिए, सिटोफिलस ऑरिजे जो है साइंटिफिक नेम किसका है, खपरा बीटल, ब्राउन लीफ हॉपर, राइस मॉथ, राइस वीविल। मैम मेरी क्रिप्को का शो नहीं कर रहा है, क्या मुझे एंट्री मिलेगी, फोटो शो नहीं कर रहा है, हाँ मिलेगी उनको, वहां पे जो साइट होती है वहां पे दिखाना कि यहाँ से यही डाउनलोड हुआ है भाई, ठीक है, ऐसे बोलना कि आपकी साइट से यही एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, जाना उनको बताना, ठीक है। चलो, सो द राइट आंसर इज राइस वीविल, शाबाश सबका आंसर सही है, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस वीविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट एंट्स, इनमें से किसको व्हाइट एंट्स बोला जाता है, टर्माइट्स को, फ्लीस को, माइट्स को या एफिड्स को। फ्लीस को बोला जाता है, माइट्स को, एफिड्स को या टर्माइट्स को, किसको बोला जाता है, व्हाइट एंट्स। वेरी नाइस चेतक एंड अनुभव एंड रत्नागर, तो थैंक्स लिख रहा है संध्या,
टॉप थ्री यही है, और फर्स्ट जो है टर्माइट को बोलते हैं व्हाइट एंड्स. दिव्या, रानी, अंकिता, राम यादव, रीना, वेरी नाइस बेटा. द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लोकस्ट स्पीशीज इज, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वाली लोकस्ट स्पीशीज क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि थ्री टाइप ऑफ लोकस्ट होते हैं. पहला होता है माइग्रेटरी लोकस्ट, जो इधर से उधर जाते रहते हैं. सेकेंड होता है बॉम्बे लोकस्ट, एंड थर्ड इज डेजर्ट लोकस्ट. तो इन तीनों में से सबसे डैमेजिंग, सबसे खतरनाक वाला कौन सा होता है, जल्दी से बता दो. वेरी नाइस चेतक, चेतक वेरी नाइस, एंड देन राजेश वेरी नाइस, जिन्होंने भी थ्री लिखा है, शिवा एंड एसपी एंड प्रियंका दियोल, वेरी नाइस बेटा. राम यादव, इट इज योर डेजर्ट लोकस्ट. ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है. Now, which of the following has been declared national pest once? बेटा एक बार जो है ये पेस्ट इतना ज्यादा इन्फेस्टेशन कॉज कर रहा था कि इसको नेशनल पेस्ट घोषित कर दिया था. जल्दी से बताओ, खपरा बीटल, लोकस्ट, रेड हेयरी कैटरपिलर या व्हाइट ग्रब, किसको कर दिया था नेशनल पेस्ट घोषित? ओके योगेंद्र, वेरी नाइस. हंसा एंड संध्या ऑल्सो, सो द राइट आंसर इज व्हाइट ग्रब. जो खपरा बीटल है वो तो स्टोरेज पेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट है, लेकिन अगर फील्ड में पेस्ट देखा जाए तो व्हाइट ग्रब ने इतना ज्यादा तूफान आतंक मचा दिया था कि इसको नेशनल पेस्ट घोषित कर दिया गया था. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेलिया ल्यूजन्स प्रॉक्सिमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. अथेलिया ल्यूजन्स प्रॉक्सिमा किसका साइंटिफिक नेम है? क्या रेड ग्राम पॉड फ्लाई का है, मस्टर्ड एफिड का है, मस्टर्ड सो फ्लाई का है, या ग्राम पॉड बोरर का है, किसका नाम है? ओके, अनुभव ने लिख दिया है इट इज टू, बट लेट सी कि ये सही है कि नहीं है. एंड देन नरोतम इज सेइंग सॉफ्ट फ्लाई, वेरी नाइस नरोतम, इट इज योर मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई. अथेलिया ल्यूजन्स प्रॉक्सिमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, ETL फॉर एडल्ट व्हाइट फ्लाईज इन कॉटन इज. ETL क्या होता है आपका? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. ETL क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ऐसा लेवल जिसके बाद जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, तो भाई कॉटन में अगर 5 से 10 व्हाइट फ्लाई आ जाएं, ठीक है, 5 से 10 व्हाइट फ्लाई आ जाएं पर लीफ, तो क्या उसको माना जाता है? या 20 से 30 आए तब माना जाता है कि अब मैनेज करेंगे, या 40 से 50 आ जाएं तब मैनेज करेंगे, या 50 से ज्यादा हो जाएं? वेरी नाइस. सो बेटा आप एडल्ट के केस में अगर देखें तो अगर 5 से 10 व्हाइट फ्लाई आपको दिख जाए ना एक पत्ते पे, तो बस काम खराब है. इसका मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इसने अपनी हद पार करने की कोशिश की है, फिर हम मैनेज करेंगे. और अगर निम्स की बात करें, व्हाइट फ्लाई के लार्वा को निम्स बोलते हैं, तो अगर निम्स की बात करें तो 20 निम्स पर लीफ जो है वो इसका ETL होता है. ठीक है, निम्स के केस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एनिमीज फॉर कॉटन पेस्ट आर. इनमें से नेचुरल एनिमीज कौन है कॉटन के पेस्ट के? क्राइसोपर्ला कानिया, या आपका ट्राइकोग्रामा, ये आई लगा लेना यहाँ पे, ट्राइकोग्रामा स्पीशीज, या ये दोनों ही नेचुरल एनिमीज हैं कॉटन पेस्ट के. कॉटन के जितने भी पेस्ट हैं उनको नेचुरल तरीके से इनसे खत्म किया जा सकता है. वेरी नाइस, बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही नेचुरल एनिमीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय. जो सॉइल में रहने वाले, जो छुपने वाले ड्वेलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे जो है डैमेज कर सकते हैं? शेकिंग से, बेंडिंग से, ट्रैपिंग से, या फ्लडिंग से? हाँ रीना, ये एंटोमोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आई मीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आपने बोला बेस्ट बता दीजिए कि पेस्ट बता दीजिए, पेस्ट ही तो चले हैं. यस वेरी नाइस, फ्लडिंग से जो है हम सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट
इज इनेक्टेड इन द ईयर, ये जो आपका डिस्ट्रक्टिव डीपा बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है, जो डीपा होता है, बेंडिंग नहीं है आशुतोष, कौन लिख रहा है ये बेंडिंग, चलो जल्दी से बता दो, फ्लडिंग इज द राइट आंसर, अगर सॉइल में होंगे तो आपको फ्लड करके भगाना पड़ेगा उनको, तो फ्लडिंग इज द राइट आंसर. बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग तो आप मिली बग के लिए यूज करते हो, जब आप ट्री में किसी, जैसे जो मिली बग्स होते हैं बेटा मैंगो में ज्यादातर होते हैं, और वो क्या करते हैं, बार्क पसंद करते हैं, जो ट्री होता है उसकी बार्क जो होती है उसको पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार्क पे ग्रीस लगा देते हैं, है ना, ऐसे बैंड्स लगा देते हैं जिससे मिली बग जो है वो भाग जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज बेंडिंग. हियर वी कैन सी डीपा जो है वो 1914 में आया है. वेरी नाइस. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. एमएससी एंट्रेंस के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो एएफओ हो, आपका एडीओ हो, या आपका एमपीआरए हो, या आपका यूपी ट्रिपल एसी हो, सबके लिए इंसेक्ट पेस्ट और ट्रेड नेम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. ओके, सो बता दीजिए क्या है, अब ये फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा क्योंकि ये रिवाइज्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपके एमपीआरएओ में भी हो चुके हैं, सब सही आंसर करेंगे. लकी, अ वेरी गुड इवनिंग. हैजार्ड उसको बोलते हैं, ठीक है, जब आप कोई टॉक्सिक चीज से हैंडल, कोई हैंडलिंग कर रहे हो और आपसे मिस हैंडलिंग हो जाती है, सो इट इज, उस रिस्क को हैजार्ड बोला जाता है. नेक्स्ट, लैक इंसेक्ट्स बिलोंग टू द ऑर्डर, ये पिछली बार सबने गलत किया था, जल्दी से बता दो लैक इंसेक्ट कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है. सीयूटी पीजी के लिए जरूर जरूर, मैं आपको सुरजीत इतना ही बोलूंगी कि सबसे पहले पेस्ट, जो मेजर पेस्ट हैं और ट्रेड नेम है वो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर एंटोमोलॉजी सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है. चलो जल्दी से बता दो लैक इंसेक्ट. वेरी नाइस योगेंद्रा, इट इज योर होमोप्टरा, ठीक है, हेमिप्टरा का सब ऑर्डर होता है होमोप्टरा, जिससे लैक इंसेक्ट, जिसमें लैक इंसेक्ट आते हैं. राइज वीविल प्यूपेट इन, राइज वीविल जो है वो कहां पर प्यूपेट करता है, मैम आप एएफओ के न्यू बैच में कब से ज्वाइन करेंगी, जब आकाश सर की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, है ना, शायद सुधांशु सर और आकाश सर की लगी है, तो वहां पर जब खत्म हो जाएंगी तब मैं आऊंगी, अभी मेरी क्लासेस एमपीआरएओ में चली है, एंड तो आप ठीक है, अगर एएफओ में लिया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हिंदी में भी किसी को पढ़ना है तो वो एमपीआरएओ का बैच ले सकता है. ऑब्वियसली कूपन कोड आपको यहाँ पे लिख के बताया होता है Y781 A for maximum discount 80%. चलो very nice. It is inside the grain. Small sized rural go down capacity कितनी होती है बेटा? जो small sized rural go down की capacity, मतलब go down क्या होते हैं? जो storage room होते हैं, ठीक है? जो storage room होते हैं, जहाँ पर हम अपना अनाज को ऐसे रख सकते हैं, तो कितना metric ton हम rural वाले पे रख सकते हैं? Sorry. So the right answer here is 50 metric ton से 250 metric ton. Very nice, हंसा, राजेश, शुभम, चेतक. Which is internal feeder? इनमें से internal feeder कौन सा है? इंटरनल फीवर फीडर जो है वो आपका राइस मॉथ है, इसके साथ पल्स बीटल भी इंटरनल फीडर है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है. सो इट इज बोथ, इट इज फोर्थ आंसर, ठीक है, बोथ ए एंड C. Okay, both A and C is the right answer. Okay, which is the internal feeder? ये हो गया आपका, ये है आपकी rice moth. Then, Indian meal moth commonly known as, Indian meal moth को और क्या क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दीजिए. Weevil moth, penitentiary moth, floor moth, all of the above. It is all of the above. The damaging stage of cutworm. Cutworm जो है इस तरीके से आपको दिखाई देता है और यही इसकी damaging stage है, जल्दी से बता दो इसकी damaging stage को क्या बोला जाता है. नहीं, ए एंड सी है, राइस वी विल, आई विल चेक. ओके, यस, ऑल ऑफ दीज, वेरी नाइस, राजेश, गौरव, सुराजीत, कुछ ज्यादा ही पीछे चल रहे हो तुम. कटवॉर्म, यस, वेरी नाइस, इट इज कैटरपिलर, वेरी नाइस चेतक. सो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट can be killed by dash or exposure to 51.5 to 54.5 degree Celsius. जो stored grain pest होते हैं उनको कितने घंटे का exposure चाहिए होता है इस temperature पे? दो घंटे का, 2, 3, 4 और 1, कितना exposure चाहिए होता है?
पल्स बीटल बोला था, पल्स बीटल, बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी। चलो 3 आर्स का चाहिए होता है, नाइस। ओके, सेंजो स्केल इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ, सेंजो स्केल किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है? क्या वो आलमंड यानी बादाम और एप्पल का है, पियर और प्लम का है, मैंगो एंड गुआवा का है, या बनाना एंड पपाया का है? ओके, सो द राइट आंसर इज, वेरी नाइस चेतक, योगेंद्र, आकाश, राजेश, महेंद्रपल, सुराजीत, इट इज योर आलमंड एंड एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिरोमोन्स आर ऑल्सो नोन एज, फिरोमोन्स को और किन नामों से जाना जाता है? क्या उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, एक्टो हॉर्मोन्स बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं, या अट्रैक्टेंट्स बोलते हैं? यहां पर जो है आप गलती कर देते हो कई बार, क्योंकि आपको पता है फिरोमोन्स क्या होती है, फीमेल सिक्रेशंस होती हैं जो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इनको बिल्कुल भी अट्रैक्टेंट्स के नाम से नहीं जाना जाता है, इनको एक्टो हॉर्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि होती तो वो सिक्रेशंस ही है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, एक्टो हॉर्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो जो अट्रैक्टेंट समझते हैं ना, वो आंसर गलत है। साइंटिफिक नेम ऑफ खपरा बीटल, खपरा बीटल जो मेजर स्टोरेज पेस्ट है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंगीमोइस ग्रेन मॉथ, ट्रेगोडर्मा ग्रेनेरियम, सिटोफिलस ऑरिजे एंड हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। सो द राइट आंसर इज ट्रेगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक है। ओ नो, क्या गलत हो रहे आंसर? विच स्टेज इज डैमेजिंग स्टेज इन राइस वीविल, राइस वीविल की डैमेजिंग स्टेज कौन सी है? राइस वीविल की डैमेजिंग स्टेज क्या है, ग्रब है, एडल्ट है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि नहीं हो सकता। ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ। तो आपका राइस वीविल में ग्रब और एडल्ट जो है वो दोनों ही डैमेजिंग स्टेज पे होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटर्नल फीडर, तो एक्सटर्नल फीडर खपरा बीटल, रेड फ्लोर बीटल, राइस मॉथ, सिगरेट बीटल, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीडर होते हैं, ठीक है। नाउ द स्टोरेज इंसेक्ट विच कैन सर्वाइव एक्सेप्शनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, अभी अभी बताया मैंने कि हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी पे कौन सर्वाइव कर पाता है, राइस वीविल, रेड रस्ट फ्लोर बीटल, खपरा बीटल, या इंडियन मील मॉथ। ओके, अनुष्का, हंसा, रानी, दीपक, रत्नागर, प्रशांता, योगेंद्र, चेतक, नदीम, विनोद, अमन, सो द राइट आंसर इज खपरा बीटल, अभी अभी आपको बताया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो है वो बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टरा, इनमें से कौन सा स्टोर्ड प्रोडक्ट का इंसेक्ट, मतलब स्टोरेज पेस्ट है यार जो लेपिडोप्टरा को बिलोंग करता है? हाँ, अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन आंसर नहीं भूलेंगे, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। चलो ठीक है, तो बेटा ये बाकी सारे तो बीटल वीविल हैं, आपको मॉथ जो है एएफओ के लिए बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रखो। ओके, हिंदी मीडियम में, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से बनाती हूँ, तो इसको हिंदी में रोज डेली बेसिस पे ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं सैटरडेज को या मंडेज को ट्राई करा करूंगी कि आपके लिए हिंदी में भी लेकर आऊँ, ठीक है। ओके ओके, यादव जी मैंने सुन लिया है, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन को रखा जाएगा, ठीक है जी, रखूंगी मैं हिंदी में, बनवा के रखने पड़ेंगे यार, खुद तो नहीं हो पा रहा है ऐसे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाँ, 6:40 हो चुके हैं, सो आज का सेशन आपको पता है ये 6 बजे शुरू होता है, 6:45 पे खत्म हो जाता है। सो लेट मी जस्ट इलैबोरेट अबाउट एग्रीकल्चर महापैक। तो बेटा आपको हम सबसे जो है, हम सबसे मतलब मैं, संदीप सर, आकाश सर, सुधांशु सर, हिना मैम, हम सबसे जो है एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको हर जगह ट्राई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो, जो इस वक्त 80% ऑफ पर है, ठीक है।
आप कोड यूज कर सकते हो Y781A, जिससे आपको 80% ऑफ मिलेगा, और 80% ऑफ जो है उसमें आपको 500 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 2000 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 4000 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, 464 ई बुक्स मिलेंगी। इसके साथ ही आपकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी। और एग्रीकल्चर महापैक के साथ साथ ये है मेरा फाउंडेशन बैच। अगर किसी को भी एंटोमोलॉजी में, प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स में, सीड टेक्नोलॉजी में कोई भी दिक्कत आती है और आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यस बेटा, इसमें एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अभी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं ये जो उड़ान के बाद ये जो एग्रीकल्चर है, इसमें आपको अगर आप एमपी आरएओ की या आरएओ की तैयारी कर रहे हो अगले आने वाले एक साल में, या यूपी ट्रिपल एससी टीए की कर रहे हो, या एएफओ की कर रहे हो, नबार्ड की कर रहे हो, फसाई की कर रहे हो, इस एग्रीकल्चर के आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब की वैलिडिटी जो है, सबका जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर अगर प्राइम सीरीज की बात करूं, जैसे कि अभी आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जैसे क्रिप्को वालों के लिए है, तो आप फटाफट से जाओ अड्डा 24/7 पे, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बेटा उतना आपके लिए ज्यादा सही है। तो आप अड्डा 24/7 लिखो गूगल पे जाके, ऑल कोर्सेज पे आपको जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाके एग्रीकल्चर में जाना है और एएफओ में चले जाओ, ठीक है। फिर आप यहां जाओगे तो यहां आपको एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट पैक मिलेगा। एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट पैक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, 198 रुपीज का। बाय नाउ करो इसको, कूपन कोड लगाओ Y781A, ठीक है, आपको ये 194 में मिल जाएगा, जो आपका टोटल यहाँ पे 234 का था, अभी आपको कितने में मिल जाएगा, 194 में मिल जाएगा। और 194 में आपको बिल्कुल 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पर मॉडल टेस्ट पेपर, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हो, ये शिवम के बच्चे मामा मुमा, यार तुम्हारा ऑटो करेक्ट हो जाता है, ये मामा क्या है, मैम रखा करो ना, ये तुम एक्स्ट्रा एम और ए लगा देते हो, उससे ऐसा लगता है मामा मामा पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ओके आयुषी, वी विल कंसीडर दिस। तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आज के बाद एग्रीकल्चर में एग्जाम्स आएंगे, वो सब कुछ एक्सेस आपको मिलेगा उन सारे चीजों का। और अगर आप फोकस कर रहे हो किसी एग्जाम पे, जैसे क्रिप्को का आने वाला है, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। और कोड आप लगा सकते हो Y781S, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा मैम जी एमपी की वैकेंसी आई है, अब उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, उसके लिए जनरिक होते हैं दोपहर को, और आज रात को मेरा शॉर्ट वीडियो भी डलने वाला है, ठीक है। आप में से ही किसी ने बोला था कि मैम मुझे वो बताओ, रानी ने बोला था, तो मैंने जो है वो शॉर्ट वीडियो बना दिया आपके लिए। तो रोज रात को ना सोने से पहले थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा अच्छी चीज दिमाग में जाएगी कि मैम ने कुछ बोला है, थोड़ा दिमाग में रह जाएगा। तो रात को 9 बजे के आसपास जब डलेगा, तब डलेगा, तो चेक कर लेना। मेरी वीडियो सुबह से नहीं आई लेकिन रात को आएगी, और सबको रिस्पॉन्स देना, मैंने उसमें क्वेश्चन भी पूछा है, शायद याद नहीं रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय। इसी के साथ हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जिसको भी थैंक यू यादव, थैंक यू, सो ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट क्रिप्को के बच्चों के लिए। कल हम फिर से एक लास्ट टाइम एंटोमोलॉजी करेंगे, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक एंटोमोलॉजी करेंगे, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड। और मंडे से आपका जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग फिर से आ रहा है, ठीक है, खुशियां मनाओ पूरे संडे की। मंडे से हम फिर से जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग शुरू करेंगे, थोड़ा स्विच करते रहते हैं, है ना। और वैसे भी मैंने अपने ये रानी कौन है, सारे टीचर्स का नाम ले रहे हैं, रानी रेगुलर स्टूडेंट है यार, वो हमारे सारे सेशंस जो है वो अटेम्प्ट करती है। रीना, ओके थैंक यू रीना, जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो देखता है उसमें मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, उसका आंसर किया करो या कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया करो, ताकि मैं तुम सबके नाम देख लूँ कि हाँ भाई इसने किया हुआ है, इसने देख लिया है, तो मुझे भी तुम्हारे नाम पढ़ के खुशी होती है कि मेरे रेगुलर बच्चों ने देखा हुआ है, ठीक है। सो ओके, इसी के साथ भाई फाइनली सेशन खत्म कर रही हूँ, बाय बाय।